खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां फुलकाही गांव के 20 वर्षीय युवक ने मुरली चौक स्थित राजीव कुमार की दुकान में नाश्ता किया और 30 रुपए के भुगतान में 10 रुपए के पुराने नोट को लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद दुकानदार ने युवक के पेट में चाकू मार दिया। चाकू लगने से युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और छापेमारी कर दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। राहुल कुमार। हाँ, कैसे घटना घटी? वो जो है नाश्ता करने के लिए दुकान पे गया, वो जो है नाश्ता 30 रुपया का किया, उसमें से जो है एगो 20 रुपया का नोट, एगो 10 रुपया का नोट दिया, उसमें से 10 रुपया का नोट फटा हुआ था, इसी के कारण। अच्छा, तो कौन मार दिया? मार दिया राजीव कुमार साहब। क्या नाम था मृतक का? राहुल कुमार। गिरफ्तारी हुई क्या? हाँ, हुआ एक आदमी। और कितने लोग शामिल हैं? शामिल जो है 5-6 आदमी है। उसके वो फरार है। हाँ, कौन गांव का घटना है? घटना हुआ है फुलकाही का, मृतक का गांव है फुलकाही। हाँ, अथी हुआ है, घटना हुआ है मुरली चौक पर। थाना फुलपरास। आपका कौन था मृतक? उससे तो हमरा के पता लगल कि मर दंगा भेले, तो हम सब जे छै से पहुँचलिए, तब ओतऽ देखलिए जे कि चक्कू मारि। की नाम छै? राहुल कुमार। राहुल कुमार। कहाँ घर छे? फुलकाही। फुलकाही, एहिमे गिरफ्तारियो भेले? एगो भेले हैं। की नाम छे? राजीव साह। लगभग 3 बजे 3:15। कौन थाना के मामला? फुलपरास थाना। कौन गांव में घटले घटना? कौन गांव में घटना घटले? फुलकाही मुरली के। मुरली।